हाँ जी बेटा, मैं इसमें ये बता रही थी आपको। तो आप फ्रॉम द डिज़ाइन टैब से सिलेक्ट द पेज नंबर कमांड। पेज नंबर कमांड को आप सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करंट पोजीशन, ठीक है, करंट पोजीशन जैसी भी है उस पर उसी के हिसाब से क्लिक करेंगे। देन सिलेक्ट द डिज़ायर्ड स्टाइल, तो जो भी आपको डिज़ायर्ड स्टाइल चाहिए, जो भी आपको चाहिए उसी हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेंगे। द पेज नंबर विल अपियर इन द डॉक्यूमेंट, फिर आपको जो है पेज नंबर डॉक्यूमेंट में अपियर होने लगेगा। मतलब जैसा फॉन्ट जैसा स्टाइल आप चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करेंगे और फिर जो है वो अपियर होने लगेगा। ओके, तो इसके बाद हमारा एक यहाँ पे नोटिस दे रखा है ऊपर कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी टाइप इन्फॉर्मेशन इन टू यूअर हेडर और फूटर, अगर आप पहले से ही हेडर और फूटर में कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप ऑलरेडी कर चुके हो तो इट्स इंपॉर्टेंट टू प्लेस द पेज नंबर एट द करंट पोजिशन टू अवॉइड लूजिंग एनीथिंग। तो ये ज़रूरी है कि आप उस पर जो है पेज नंबर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लेस द पेज नंबर उस पर प्लेस करना वहाँ पे करंट पोजीशन में, ये ज़रूरी है ताकि वो जो है आपका डाटा वो लूज ना हो जाए। इफ़ यू सेलेक्ट ए पेज नंबर फ्रॉम टॉप ऑफ पेज और बॉटम ऑफ पेज, इफ़ यू सेलेक्ट, अगर आप पेज नंबर कोई सेलेक्ट करते हो फ्रॉम टॉप ऑफ पेज, मतलब पेज के टॉप से या फिर बॉटम से, तो इट विल डिलीट एनी थिंग, ये कुछ भी आपका फिर डिलीट कर देगा। यू हैव ऑलरेडी एडिड टू द हेडर और फूटर, ठीक है, तो ये आपका सब कुछ वो डिलीट कर देगा जो भी आपने हेडर और फुटर में पहले से ही टाइप किया है। यानी आपका करंट पोजीशन में वहाँ पे पेज नंबर प्लेस करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, इफ़ यू सेलेक्ट ए पेज नंबर, अगर आपने फ्रॉम टॉप ऑफ पेज या बॉटम ऑफ पेज से पेज नंबर सेलेक्ट किया तो फिर ये डिलीट कर देगा जो भी आपने हेडर और फुटर में लिखा होगा। ठीक है, आगे आता है हमारा, टू इंसर्ट पेज नंबर इन टू ए न्यू हेडर एंड फुटर। अब देखिए यहाँ पर टू इंसर्ट पेज नंबर, अगर आपने न्यू हेडर और फुटर में पेज नंबर इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे? फ्रॉम द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पे जाइए, वहाँ से क्लिक पेज नंबर, पेज नंबर पे क्लिक करो, ए ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, तो ड्रॉप डाउन एक मेन्यू खुल के आ जाएगा। तो सेलेक्ट द डिजायर्ड पेज नंबर स्टाइल, जैसा आपको पेज नंबर स्टाइल चाहिए वैसा सेलेक्ट करो, एंड इट विल अपीयर इन योर डॉक्यूमेंट, तो ये आपके डॉक्यूमेंट में फिर अपीयर होने लगेगा। ओके, आगे है टू फॉर्मेट पेज नंबर, पेज नंबर को फॉर्मेट कैसे करना है? सेलेक्ट द हेडर एंड फूटर दैट कंटेन्स द पेज नंबर, आप उसे हेडर और फूटर को सेलेक्ट करो जिसमें पेज नंबर है, उसमें पेज नंबर इसमें आते हो, कंटेन हो। तो फ्रॉम द डिज़ाइन टैब, डिज़ाइन टैब से सेलेक्ट द पेज नंबर कमांड, पेज नंबर कमांड को सेलेक्ट करो, क्लिक फॉर्मेट पेज नंबर, फिर फॉर्मेट पेज नंबर जो है, फॉर्मेट पेज नंबर जो है उस पर क्लिक करो। देन ये देखिए यहाँ पर ये आ रहा है ना, देखो इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है, आप इसको देखेंगे यहाँ पे, देखो इधर पेज नंबर, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, कैसा आपको चाहिए उसी हिसाब से सेलेक्ट करना है। ठीक है, और देखो पेज नंबर का आपको फॉन्ट कैसा चाहिए, कैसा स्टाइल चाहिए, ये सारे स्टाइल हैं कि आप कैसे देना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर ओके करेंगे। ठीक है, ये सारे इसमें दे रखे हैं आपको, देखो पेज नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट जैसे 1, 2, 3 किसी ने सेलेक्ट किया फिर उसके बाद ओके कर देंगे ऐसे। तो फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स से सेलेक्ट द डिज़ायर्ड नंबर फॉर्मेट, तो जो भी नंबर फॉर्मेट है जैसा कि ये वाला चाहिए आपको कि कौन सा चाहिए वो सेलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टू स्टार्ट एट एंटर द नंबर यू वॉन्ट द पेज नंबर टू स्टार्ट विद, ठीक है, मतलब नेक्स्ट में जाने से पहले आप एंटर द नंबर यू वॉन्ट द पेज नंबर टू स्टार्ट विद, आप किस पेज नंबर के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे 1 पेज नंबर से करना चाहते हो कि 5 पेज नंबर से करना चाहते हो, वो नंबर उसमें पुटअप करेंगे। ठीक है, इफ़ यू हैव क्रिएटेड ए पेज नंबर इन द साइड मार्जिन, अगर आपने साइड मार्जिन में कोई भी पेज नंबर क्रिएटेड कर लिया है, क्रिएट कर लिया है, तो इट इज़ स्टिल कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द हेडर ऑफ फूटर, वो भी हेडर ऑफ फूटर का ही पार्ट जो है कंसिडर्ड होगा। यू वुड नॉट बी एबल टू सेलेक्ट द पेज नंबर अनलेस द हेडर ऑफ फूटर इज़ सेलेक्टेड, जब तक आपने हेडर ऑफ फूटर सेलेक्ट नहीं किया तब तक आप कोई भी यू वुड नॉट बी एबल, तब तक आप पेज नंबर सेलेक्ट करने के योग्य आप नहीं होंगे, एबल नहीं होंगे। ओके, आगे हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे यूजिंग मेल मर्ज करना है आपको। ओके, हैव ए नाइस डे।